सोनीपत के राष्ट्रीय राजमार्ग ज्वाली पर एक I-20 गाड़ी का पीछा करते हुए ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुस्तैदी के कारण 50 पेटी शराब और वहीं करीबन 15 किलोमीटर पीछा करते हुए पुलिस के डर से चालक गाड़ी को ट्रक यूनियन सोनीपत में छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी करेगी। सोनीपत में ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने गश्त करने के दौरान दिल्ली की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने के लिए कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगा ली। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित भिगान टोल से यू टर्न कर गाड़ी को भगाया। वहीं गाड़ी चालक के सेक्टर 7 में स्थित पार्क रोड से घूमते हुए गाड़ी को ट्रक यूनियन में लेकर घुस गया। वहीं ट्रक यूनियन में गाड़ी खड़ी करके मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की मुस्तैदी के चलते शराब की 50 पेटी पकड़ी गई है और वहीं मौके से गाड़ी चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और वहीं मामले को लेकर जांच भी कर रही है। ये गाड़ी पकड़ी है, क्या मामला था, कहां से आ रही थी? ये दिल्ली साइड से आई हुई थी, मैं गश्त पर था। मैंने शक के बिना इस गाड़ी को चेक की, रुकवाने का इशारा किया, इसने गाड़ी रोकने की बजाय ज्यादा भगा ली और ज्यादा भगाने के बाद मुझे शक हो गया और शक होने के बाद ये जो ना भिगान टोल टैक्स के पास से वापिस मोड़ ली इसने, क्योंकि वहाँ टोल टैक्स में भीड़ लगी हुई थी, कदे मेरे को पकड़ ले डरता हुआ, तो वहाँ से वापिस मुरथल रोड से फिर 27A7 सेक्टर के पार्क से और ये इधर है बालगढ़ रोड से घूमता इधर आ गया, यहाँ ट्रक यूनियन मंदिर लेके बढ़ गया। मैं काफ़ी देर से पीछे लगा हुआ था और जो पेट्रोल पंप है ये श्रीराज सिंह का सिलाने वाले का पेट्रोल पंप है, उसके अंदर से एंट्री करी इसने, वहाँ जाम लगा हुआ था गाड़ियों का, वहाँ पर भी टेक ओवर करके ये फिर इसमें लेके बढ़ गया, यहाँ से फंस गया यहाँ मेरे को ट्रक यूनियन में। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में एक आदमी था और मैं मुलाजिम साथ थे। अब जो है गाड़ी से क्या बरामद हुआ है? गाड़ी से लगभग 50-55 पेटी हैं दारू की, ये बरामद हुई है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस अभी कार्रवाई ऑफिसर के नोटिस में लाया गया है, अभी कार्रवाई कर रहे हैं ऑफिसर, जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, पर्चा जो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।